नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। लगातार दोस्तों बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, लगातार सभी जगह देखने को मिले कि रीट एग्ज़ाम को लेकर दोस्त आप वीडियो नहीं बना रहे हैं, या ऐसा एग्ज़ाम को लेकर आप वीडियोस नहीं बना रहे हैं कि ये एग्ज़ाम पोस्टपोन होना चाहिए। तो कोई बात ऐसी है, मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ यहाँ पर। और आप अगर नहीं मानते तो मैं ट्विटर अकाउंट जाकर देख सकते हैं, लगातार मैं ट्वीट कर रहा हूँ आप सभी के लिए। रीट एग्ज़ाम के लिए भी कर रहा हूँ, ऐसा एग्ज़ाम के लिए कर रहा हूँ, कहीं पर भी कोई पारदर्शी दोस्तों नज़र नहीं आई है। रीट एग्ज़ाम की बात करें दोस्तों, कहीं ना कहीं इसके अंदर फर्जीवाड़ा दोस्तों हुआ है। आप यूँ मान के चलिए कि धुआं कब उठता है, धुआं तभी दोस्तों उठेगा जब कहीं ना कहीं आग लगी होगी। तो कहीं ना कहीं आग लगी तभी तो दोस्तों ये इतनी बात, ये रायता दोस्तों फैला है। इस भर्ती के अंदर बिल्कुल दोस्तों फर्जीवाड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ हुई है, तो इसका विरोध करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम विरोध ये नहीं कर रहे कि इस परीक्षा को रद्द किए थे, विरोध ये कर रहे हैं कि इस परीक्षा की जांच हो, इसके अंदर कौन लिप्त है, क्या इसके अंदर फर्जीवाड़ा हुआ है, पेपर लीक कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, पूरी जांच होनी चाहिए। दूध का दूध दोस्तों पानी का पानी होना चाहिए। अगर बात सामने आती है फर्जीवाड़ा हुआ है तो इस परीक्षा को दोस्तों दोबारा से करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पारदर्शिता दोस्तों होना लाजमी है। यहाँ पर कोई पारदर्शिता दोस्तों नज़र नहीं आई है। आज जिनके 130, 135 नंबर बन रहे हैं वो दोस्त नहीं बोलेंगे, वो ये नहीं चाहेंगे कि परीक्षा दोबारा से हो, बिल्कुल लाजमी है, वो नहीं चाहेंगे। बट आप ये सोच के चलिए कि जिनके पास पेपर पहुंचा है, जिन्होंने पेपर पैसे में खरीदा, उनके पास पहुंचा है, तो उनके तो दोस्तों 145 आ रहे हैं, तो 135 और 145 का डिफरेंस तो काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो वो मेरिट को दोस्तों ख़राब कर देंगे, वो आपको ही ख़राब करेंगे। तो वो पकड़े जाने चाहिए, उनका विरोध करना बहुत दोस्तों ज़रूरी है। हम अपने फ़ायदे के लिए विरोध नहीं करेंगे, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी वजह से अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर आपको कैसा लगेगा। तो विरोध कीजिएगा, इसकी जांच हो, SOG जांच हो, CBI इसकी जांच हो दोस्तों, विरोध करना ज़रूरी है। अगर आप जयपुर में नहीं हैं तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से आप अपना समर्थन दोस्तों दे सकते हैं। और अगर जयपुर में है तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर आंदोलन दोस्तों चल रहा है, वहाँ पर भागीदारी दिखाएं। कोई भी परीक्षा आप देख रहे हैं, SI परीक्षा है, उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा फर्जीवाड़ा हुआ था। रीट के एग्ज़ाम में तो महाफर्जीवाड़ा दोस्तों देखने को मिला है, पुख्ता सबूत दोस्तों आपके सामने पहुँचे होंगे। तो कहीं ना कहीं ये सरकार स्वीकार नहीं कर रही है, सरकार तो नहीं चाहेगी परीक्षा, क्योंकि उनकी तो साख का सवाल है, उनकी तो इज्जत चली जाएगी दोबारा करवाने से, लेकिन ये लाखों जो बेरोजगार, उनके भविष्य का दोस्तों सवाल है। आज किसी पैसे जिसके पास पेपर पहुंचा उसकी वजह से हमारा अगर नंबर नहीं आता है, हम उस नीचे रह जाते तो कैसा लगेगा आपको। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है कि मैं जिनके नंबर ज़्यादा उनके पक्ष में नहीं हूँ। देखो नंबर ज़्यादा है कि आप नंबर तो, अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, क्योंकि आपने देखा पेपर का स्तर तो बिल्कुल भी नहीं था, पेपर दोनों ही स्तरहीन पेपर थे दोस्तों। जो बंदा पढ़ता है वो दोबारा भी नंबर दोस्तों लेके आ सकता है। यहाँ पर पारदर्शिता होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। देखा कि पेपर के अंदर कईयों को 15-20 मिनट, कईयों को आधे आधे घंटे दोस्तों पेपर नहीं मिला, पेपर लेट पहुँचा, कई पेपरों की सील भी दोस्तों टूटी हुई थी, है ना, पहले से ही ओपन थे पेपर। तो आप इस बात से बिल्कुल भी नज़रअंदाज इस बात को दोस्तों नहीं कर सकते कि इस भर्ती में फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं दोस्तों, और मुझे जहां तक लग रहा है, आशंका कि बहुत ज़्यादा इसमें फर्जीवाड़ा दोस्तों हुआ है, और स्वीकार इस बात को सरकार नहीं कर रही है। विरोध प्रदर्शन जारी है, इस बात को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है दोस्तों कि इस परीक्षा की जाँच हो, ये नहीं कि परीक्षा रद्द हो। देखो पुख्ता सबूत मिलते हैं, पुख्ता लीगल बात सामने आती है, तो दोस्तों इस परीक्षा को दोबारा करवाना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर वही बात, आप तैयारी करते रहिएगा, पैसे वाले दोस्तों इसमें लगेंगे, तैयारी करने वाला कोई मतलब दोस्तों इसमें हासिल नहीं होता है। चाहे वो SI परीक्षा की बात हो, चाहे वो रीट परीक्षा की बात हो, धांधलीबाजी दोस्तों इसी तरह अगर चलती रही तो पढ़ने का कोई मतलब ही, आप दिन रात मेहनत करते हो और आपकी सीट कोई बिना पढ़े ही लेके दोस्तों चला जाता है, तो कैसा लगेगा आपको। आज अगर हम विरोध नहीं करेंगे तो आने वाली जितनी भी भर्ती हैं उसमें कोई पढ़ने का फायदा नहीं है, फिर मत सोचना कि हमारा सिलेक्शन होगा, क्योंकि इसी तरीके से गड़बड़ियाँ चलती रही। अगर हमने विरोध नहीं किया तो आप समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है, इससे ज़्यादा दोस्तों घोटाले आगे होंगे। आज अगर इस बात का हम विरोध करते हैं, पारदर्शिता लेके आते हैं, तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हमें आने वाले समय में होगा। उम्मीद करता हूँ कि जितने भी विद्यार्थी हैं, रीट परीक्षा के विद्यार्थी या अन्य कोई भर्ती परीक्षा विद्यार्थी हैं, वो भी इस आंदोलन में साथ दें, इस परीक्षा की जांच हो, इसमें अपनी भागीदारी दिखाएं, चाहे सोशल मीडिया की तरफ से आप सोशल मीडिया का उपयोग करें, या आप कहीं ना कहीं जयपुर हैं तो आप वहाँ पहुँचकर अपनी भागीदारी दोस्तों ज़रूर दिखाएं। मैं फिर कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं दोस्तों धुआं अगर उठा है तो आग तो ज़रूर दोस्तों लगी है, तो इस बात में बिल्कुल भी दोस्तों मनाही नहीं है कि इस भर्ती के अंदर फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है, बिल्कुल हुआ है। SI भर्ती के अंदर भी फर्जीवाड़ा हुआ है, रीट परीक्षा में तो महाफर्जीवाड़ा दोस्तों हुआ है। तो सभी साथियों से अनुरोध करूँगा
कि भी जितने भी नंबर बन रहे हैं अच्छी बात है, इस भर्ती की जांच हो और सामने आए सच्चाई, कौन लिप्त है कौन नहीं है। अगर फर्जीवाड़ा नज़र आता है तो इस भर्ती को पुनः दोस्तों करवाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि सभी साथियों को न्याय मिल सके। चलिए दोस्तों, मिलते इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।